Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, friends, आज मैं आपको टेंस को पहचानने का सबसे सरल तरीका बताने जा रहा हूँ. दुनिया का सबसे सरल तरीका. इस फॉर्मूले से आप तीनों टेंस को फटाक से एकदम सेंटेंस देखते ही पहचान जाएंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है. एक कविता की तरह है. आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और ज़िंदगी भर के लिए याद रख सकते हैं इसको. और उसके बाद आपको किसी भी टेंस के सेंटेंस को पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. वो कविता ये है. है हूँ हो को प्रेजेंट समझो, था थे थी को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर समझ कर, करो टेंस पर विजय प्राप्त. अभी आपको समझ में आया? नहीं आया होगा. मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि जिस सेंटेंस के भी अंत में है हूँ हो उसको हम प्रेजेंट बोलेंगे. प्रेजेंट यानी है हूँ हो. ठीक है फ्रेंड्स, जिस सेंटेंस के अंत में था थे थी रहेगा उसको हम पास्ट बोलेंगे. था थे और थी. ओके फ्रेंड्स, और जिस सेंटेंस के अंत में बिल्कुल अंत में गागेगी होगा उसको हम फ्यूचर समझेंगे. ओके फ्रेंड्स, गागेगी. अभी हम एक एक सेंटेंस लिखते हैं. वह मेरा दोस्त है. वह मेरा दोस्त था. वह मेरा दोस्त बनेगा. अभी इसमें ये देखो, आप इस कविता के द्वारा है हूँ हो को प्रेजेंट समझो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर समझ कर, करो टेंस पर विजय प्राप्त. मतलब वह मेरा दोस्त है. इसमें है तो है क्या हो गया? प्रेजेंट. वह मेरा दोस्त था तो था क्या हो गया? पास्ट. था थे थी यानी पास्ट. और गागे की फ्यूचर मीन्स वह मेरा दोस्त बनेगा. गा गया यानी गागे की, तीनों में से कोई भी हो तो हो गया फ्यूचर. ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम बनाएंगे कैसे? प्रेजेंट को ज़्यादातर हम इज़ आर एम से बनाते हैं. बेसिक सेंटेंसेस जो होता है उसको हम इज़ आर एम से बनाते हैं. और था थे थी का जो होता है उसको हम ज़्यादातर वॉज वर से बनाते हैं, जो बेसिक सेंटेंसेज होते हैं. और फ्यूचर टेंस में हम शैल और विल लगाते हैं. ओके फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस आप अगर पहचान गए कि ये फ्यूचर टेंस है, और बिल्कुल ही अच्छी तरह से आप पहचान जाएंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से आप पहचान जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको एक यहाँ पर एक मंत्र दे दिया है. एक मंत्र ही समझिए आप, कि आप इसके द्वारा अगर आप इसको याद रखते हैं तो कभी भी टेंस को पहचानने में कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे. ओके फ्रेंड्स, इसको हम अब बनाते चलते हैं. वो मेरा दोस्त है. ही इज माई फ्रेंड. इतना तो आप जानते ही हैं क्योंकि मैं सारा कुछ पढ़ा ही चुका हूँ बेसिक में. वह मेरा दोस्त था तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा. माई फ्रेंड. वह मेरा दोस्त बनेगा तो ही विल. यहाँ पर बी लगाएंगे क्योंकि बनना या होना है उसके लिए बी लगाते हैं. तो ही विल बी माई फ्रेंड. ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए हमने बताया था ये सेंटेंसेस. बट जब टेंस की बात करेंगे हम, जब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें भी यही कविता ही लागू होगा. बस उसमें एक टेंस के चार चार भेद होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से पहचाना जाता है. बट लास्ट में है हूँ हो ही रहेगा जब प्रेजेंट होगा तो. और पास्ट में सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, टेंस है. क्या है वो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट, इसमें लास्ट में था थे थी नहीं आता, फिर भी इसको हम पास्ट टेंस में रखते हैं, यानी कि पास्ट की क्या बात करते हैं. जैसे वह मुंबई गया. वह मुंबई गया, इसमें हम लास्ट में था नहीं बोलते. अगर हम था बोलते हैं तो इससे यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी सभी सेंटेंसेस के लिए, सभी टेंसेस के लिए ये कविता, ये फॉर्मूला, ये मंत्र लागू होगा.
ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी आप कन्फ्यूजन में नहीं होंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। अब है हूँ हो से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये समझ में आ गया कि है हूँ हो रहेगा तो प्रेजेंट, था थे थी रहेगा तो पास्ट, और गागेगी रहेगा तो फ्यूचर। बट टेंस में जो पहचानने का तरीका है, एक टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, तो उसका अलग अलग होता है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टेंस अच्छी तरह से, पूरे विस्तार से पढ़ा चुका हूँ फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, बस ये मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल वे दे रहा था, एकदम इजी वे, जो बच्चों को भी काम आएगा और बड़ों को भी, कि टेंस को या किसी भी टेंस को हम प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो इतना ज़रूर याद रखना कि प्रेजेंट टेंस होगा सिंपल टेंसेज में, बेसिक में, तो इज आर एम का हमेशा इस्तेमाल होगा। पास्ट टेंस होगा तो वाज वर, और फ्यूचर होगा तो शैल विल। और एक बात बोलूँ कि अगर टेंस में जाएंगे आप, तो टेंस के लिए हम इज आर एम के अलावे हैज और हैव का भी इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। वही पास्ट में हैज हैव का हैड हो जाता है पास्ट में, फ्यूचर में शैल विल ही रहेगा। इसमें ज़्यादातर हम हैज है, हैज़ तो कभी लगाते नहीं हैं, ज़्यादातर हैव लगा सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी हम हैव बीन लगा सकते हैं विल और शैल के साथ। बट यही है मूल चीज़, यही है कि प्रेजेंट है हूँ हो है तो इज आर एम लगाओ, या तो हैज हैव वाला सेंटेंस है तो हैज हैव से बनाओ, फिर पास्ट वाला सेंटेंस है तो वाज वर से बनाओ, या हैड वाला सेंटेंस है तो हैड से बनाओ, फिर फ्यूचर है तो शैल और विल से बनाओ। जहाँ बी के यहाँ पर बी लगाया मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ पर बनेगा, बनेगी, रहेगा, रहेगी, होगा, होगी, रहता है, तो उसमें हम बी का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर बनेगा, बनेगी, रहेगा, रहेगी, होगा, होगी, नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर कोई वर्ब रहेगा, जैसे कुछ करने या होने की बात, करने की बात रहेगी, जैसे वह मुंबई जाएगा, तो वह मुंबई जाएगा में कोई वर्ब नहीं है, बनना, वह मुंबई जाएगा में वर्ब आ रहा है जाएगा, इसलिए वहाँ पर हम बी नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम सीधा बोलेंगे ही विल गो टू मुंबई, वहाँ पर बी नहीं लगाएंगे। बी हम इसी शर्त पर लगाएंगे कि सेंटेंस के अंत में बनेगा, बनेगी, होगा, होगी, रहेगा, रहेगी, रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और अब अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी टेंस को आसानी से पहचानने के लिए ये कविता कितना कारगर है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो दोस्त सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो इंग्लिश का मिस ना कर सके। तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।